तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश बहुत जम के हुई है, और आप देख सकते हैं कि बादल बहुत तेज़ उठा हुआ है। देखिए अभी भी भैंस चराने के लिए भी लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और ये दोस्तों हमारे घर के सामने जो रोड है ये पक्का रोड नहीं है, ये नगर पालिका में होते हुए भी ये भी रोड बन नहीं पाया है। हमारी भांजी गई थी जो घर के अंदर जा रही है, अभी मेरे भाई साहब भैंस चरा रहे हैं। और सामने दोस्तों देखिए ये हमारे घर के सामने साइड में जो है बहुत अच्छी हरियाली है, हमारे बाउंड्री के आसपास देखिए कितना अच्छा हरा भरा माहौल है जो शहर में बहुत कमी होता है। दरअसल हमारा घर के आसपास में देखिए कितना जंगल टाइप का झाड़ी लगा हुआ है, इसमें अगर कोई आ जाए और बैठ जाए तो पता ही नहीं चल पाता। पहले हमारे यहाँ इसको साफ़ कर दिया करते थे। अभी देखिए भैंसे चर रही हैं और ये भाई साहब चरा रहे हैं भैंस के चरने के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे घर के सामने मैदान पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और भैंस भी चरते रहते हैं। दोस्तों ये साइकिल वाला देखिए कीचड़ होने के वजह से ये साइड में साइकिल चला रहे हैं, और ये बहुत ही पानी भर चुका है रोड पे। देखिए पानी पूरा रोड पे भरा हुआ है, और देखिए साइड में चल के आ रही लड़की, क्योंकि रोड पे तो पानी भरा हुआ है। ये हमारे भैया का घर है, मझले भाई का। और ये देखिए ये भी बड़ा हरियाली भरा माहौल है यहाँ पर, देखिए पूरा पानी भरा हुआ, बहुत ज़बरदस्त पानी बारिश हुआ है अभी 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 इतना तेज़ बारिश हुआ है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुआ है। और अभी भी देखिए बादल, ये पीपल का पेड़ है, बादल बहुत ज़्यादा छाया हुआ है अभी भी। घर के बगल में मैदान पड़ा हुआ है, और आप देखिए बारिश के मौसम में लोग मैदान में पशुओं को चराने के लिए लेके आते हैं। और हमारे घर यहाँ घर के सामने जो है मैदान पड़ा हुआ है, तो इसमें अक्सर गाय भैंस चरने आती रहती हैं। देखिए और ये देखो इनका गाय, जो भाई साहब भैंस चरा रहे हैं तो इनका गाय है नहीं तो वो छोड़ दिए। अब अंदर चलते हैं घर के अंदर।